साल 2012 में राजधानी दिल्ली में हुए निर्भया गैंगरेप कांड में आज करीब 7.25 साल के बाद इंसाफ हुआ। तिहाड़ जेल के फांसी घर में शुक्रवार सुबह ठीक 5:30 बजे निर्भया के चारों दोषियों को फांसी दी गई। निर्भया के चारों दोषियों विनय, अक्षय, मुकेश और पवन गुप्ता को एक साथ फांसी के फंदे पर लटकाया गया और अब इनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाएगा। 7 साल 3 महीने और 3 दिन पहले यानी 16 दिसंबर 2012 को देश की राजधानी में हुई इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सैकड़ों पर युवाओं का सैलाब इंसाफ मांगने के लिए निकला था और आज जाकर उनका नतीजा निकला। निर्भया की मां आशा देवी ने लंबे समय तक इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। आज जब दोषियों को फांसी दी गई तो उन्होंने ऐलान किया कि 20 मार्च को वह निर्भया दिवस के रूप में मनाएंगे। आशा देवी का कहना है कि वह जब देश की दूसरी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, निर्भया के चारों दोषियों की ओर से आखिरी वक्त तक फांसी को लटकाने की कोशिश की गई। तो आपको बता दें, 16 दिसंबर 2012 की रात को हिंदुस्तान में कोई शख्स नहीं भूल सकता। राजधानी दिल्ली के मुनिरका में 6 लोगों से चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा से गैंगरेप किया। इस मामले में दरिंदगी की वो सारी हदें पार की गई जिसे देखकर सुनकर कोई दरिंदा भी दहशत में आ जाए। वारदात के वक्त पीड़िता का दोस्त भी बस में था, दोषियों ने उसके साथ भी मारपीट की थी। उसके बाद युवती और दोस्त के चलते बस से बाहर फेंक दिया था। तो वहीं पीड़िता का दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन हालात में सुधार नहीं होने पर उसे सिंगापुर भेजा गया। वहां अस्पताल में इलाज के दौरान 29 दिसंबर को प्रीता जिंदगी की जंग हार गई। प्रीता की मां ने बताया था कि वह आखिरी दम तक जीना चाहती थी। निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने की लड़ाई दिल्ली की अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हो रही थी। अदालती सुनवाइयों के दौरान ही निर्भया के एक दोषी ने जेल में ही आत्महत्या कर ली थी। इसके बाद भी बाकी के चारों दोषियों ने कई बार कानूनी दांव पेच खेले। कभी स्थायी अदालत ने याचिका तो कभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। कई बार फांसी टली, लेकिन आखिरकार शुक्रवार को चारों दोषियों को फांसी पर लटका दिया गया। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, स्पेन 9 न्यूज़।